नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे दोस्तों, खुशहाल होंगे। दोस्तों कल दशहरा था, आपने खूब हंसी खुशी और हर्षोल्लास से मनाया और दोस्तों हमने भी मनाया। और अब दोस्तों 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है। दोस्तों आप दिवाली से पहले अपने घर को कैसे सजाते हैं और सभी भाई बहन सजाते हैं और हम भी सजाएंगे, आप भी सजाना। और पौधों से दोस्तों आप अपने घर को कैसे हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं, दिवाली से पहले आप ये काम करिए और छोटे छोटे गमलों में, साफ सुंदर सुथरे गमलों में ये हरे भरे जो पौधे लगाइए और अपने बगीचे को और अपने घर को सुंदर बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो दिवाली का त्यौहार मनाओगे उसमें चार चांद लग जाएंगे दोस्तों। और ये देखिए चार चांद ऐसे लगाना आप, देखिए ये देखिए ऐसे गमले लेना दोस्तों आप थोड़े बहुत, दिवाली पर थोड़ा हर आदमी थोड़ा 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो आप ऐसे सुंदर थोड़े थोड़े गमले लेना दोस्तों और जहाँ आपको अच्छे लगे वहाँ जचाना। और मैं इनमें कुछ पौधे लगा के दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों अगर आपके पास कम जगह है तो ये लगाइए, ज़्यादा जगह तो बड़े गमले लगाइए। और चलिए दोस्तों बड़े सुंदर सुंदर पौधे लगा के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों क्या शानदार गमला लिया, आसमानी कलर, देखिए आसमान की तरह क्या कलर है इसका, देख रहे हो? ये देखिए कारीगर ने क्या बनाया, ये रखिए हमने गमला कितना मजबूत है। पहला काम ये पत्थर रखिए दोस्तों, ये रख दिया। फिर ये मिट्टी, मिट्टी कौन सी है? ये खरपतवार वाली मिट्टी। 6 महीने में दोस्तों इतनी शानदार बन गई, अब की बार बारिश बहुत आई थी। अब हम इसी को खोद खोद के इसी को गमलों में भी भर रहे हैं और थैलियों में भी भरेंगे। इसको दोस्तों 1 साल खाद डालेंगे, जरूरत नहीं है, वैसी मिट्टी बन जाती है। अब ये देखिए मैंने कुछ साफ कर ली है और ये देखिए अब हम मिट्टी भरेंगे। पहले आप ऐसे गमले में मिट्टी भरिए ऐसे, इसमें कुछ पन्नी वगैरह हो तो निकालते रहते हैं। मोटी लकड़ी है ना दोस्तों, उसको भी डाल देना, ये भी खाद बन जाएगा। ये देखिए बन गया, आधे से ऊपर हमने गमला भरा। ऐसे करिए, पत्थर वगैरह भी निकालिए। और दोस्तों सबसे पहले हम देखिए ये लगाएंगे दोस्तों, क्या शानदार है। ये देखिए प्रकृति ने क्या बनाया, छोटे छोटे पत्तों में हरे पीले दाग से, इसको बोलते हैं दोस्तों चिरौंजी क्रोटोन। बहुत शानदार रहता है, छोटे गमलों में लगाइए, बहुत बढ़िया बन जाता है। और दोस्तों अभी हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए हम इसकी पन्नी बचाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रो बैग से ही मजबूत पन्नी है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको बचाएंगे तो इसमें हम तुलसी वगैरह लगा देंगे। फिर आप कभी आओगे लेने तो हम यही दे देंगे आपको। ये देखिए निकल गया, ये देखिए जोक भी है इसमें, ये कीड़े बहुत होते हैं दोस्तों। और ये देखिए मैंने निकाल दी और अभी इस मिट्टी को हटाइए दोस्तों, ये चिकनी मिट्टी है, ये बहुत मजबूत मिट्टी होती है, इसको ऐसे हटाइए दोस्तों। ये पत्थर की तरह होती है, बस इतना हटाइए। ये देखिए अब इसको ऐसे रखिए, ये देखिए अब इसमें और मिट्टी भरिए, आधी मिट्टी पक्का झाड़ देना इसकी, ऐसे भरिए, ऐसे दबाइए इसको। ये देखिए गमले को पूरा ठोकना, ऐसे मजबूत गमला है। ये देखिए अब देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए दोस्तों एक हमारा गमला तैयार हो गया, ये रख दिया, देख रहे हो? अब हम दूसरा गमला लेंगे, ये चिकनी मिट्टी हम एक साइड में रख लेंगे दोस्तों, ये भी काम आ जाती है। बहुत सी बहनें आती हैं, अंकल चिकनी मिट्टी दे दो शिवलिंग बनाएंगे, तो ये उनका काम आ जाती है, हम उनको दे देते हैं, उनका भी काम चल जाता है। अब ये देखिए, अब ये देखिए दूसरा गमला लेंगे, देख रहे हो डिजाइन, देख रहे हो गमले का तो डिजाइन है, पौधा भी बहुत शानदार लगेंगे। ये ले लिया, पत्थर रखिए, पत्थर लगाना बिल्कुल भी ना भूले, ऐसे डालिए मिट्टी, ठोकिए, ये देखिए अब इसमें लगाएंगे दोस्तों सन ऑफ इंडिया, क्या शानदार है, धीरे धीरे बढ़ता है, छाया में रखा जाता है, खाद ज़्यादा ना डालें, पानी ज़्यादा ना डालें, मिट्टी सूखे जब पानी डालें, परमानेंट पौधा है,
पूरा साल हरा भरा रहता है दोस्तों। इसकी भी हम ये निकाल लेंगे, इसको थोड़ा दोस्तों हम ऐसे करेंगे, इससे थोड़ा ढीला हो जाएगा ये। आप डरा मत करो, जब पौधा लगाओ बेमौसम में पौधा लगाओगे ना, कितनी सेफ्टी कर लेना फिर भी खराब हो जाएगा। जब मौसम सही होता पौधे लगाने का, कुछ भी कर लो पौधा मरता नहीं है। अब से इसकी मिट्टी सारी भी झाड़ देंगे, जब भी नहीं मरेगा। तो ये भी ध्यान दिया रहो, समय पर पौधे लगा रहो। अब मई जून में ऐसा काम मत किया करो। काटने में एक मिनट लगेगी दोस्तों, मगर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इनको बचा रहा हूँ। बहुत मजबूत पन्नी होती है ये। ये देखिए, ये निकाल दी और ये देखिए इस मिट्टी को झाड़िए आप। ये मिट्टी पक्का झाड़ना, ये देखिए बहुत चिकनी मिट्टी है। अगर इसके गमले बन जाए ना 10 साल भी, ये देखिए अलग हो गया, ये डरने वाली बात नहीं है। इसको हम लगा देंगे, ये देखिए, फिर इसको ऐसे लगाइए। अब मिट्टी भरिए ऐसे, बहुत शानदार है स्नोफ इंडिया घर की सोन। और जब मिट्टी दबा भरते हो ना तो दबा के रखना। ये देखिए गमले को ऐसे ठोकिए, ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार बन गया। अब ये देखिए, ये अलग कलर का देख रहे हो, ये देखिए, ये देखो कितना शानदार गमला, ये रख दिया। अब इसमें पत्थर रखिए, रख दिया, मिट्टी भरिए, अब ये देखिए क्या शानदार चीज़ है, लिपस्टिक का पौधा, बहुत शानदार है। ज़्यादा केमिकल ना डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाता रहेगा। कोई भी केमिकल ना डालें, बिल्कुल नेचुरल मिट्टी में चलेगा, आसानी से चलेगा। और दोस्तों मैं इसको काटूँगा, ये काटे बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये थोड़ा नाजुक पौधा होता है, जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ समझाना, इसको निकालने की कोशिश मत करना, इसको हम काटेंगे पक्का। ये देखिए इसको मैंने काट दिया, इसकी भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी झाड़ेंगे, ऐसे झाड़िए। मिट्टी झाड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। ये देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा गहरा दबाएंगे, ये देखिए क्या शानदार लगेगा। मिट्टी भरिए, देखिए क्या शानदार लग गया। अब इसको यहाँ रखिए दोस्तों। पहले मैंने मिट्टी भर ली, क्योंकि ऐसे भर भर के दिखाएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें हम लगाएंगे ग्रीन वाला सन ऑफ इंडिया, बहुत शानदार रहता है, गहरे हरे पत्ते रहते हैं, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाता रहेगा। और इनको मैं काटूँगा दोस्तों, ऐसे टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए, ये अब इसकी सिंगल ब्रांच है, और ये जब चल पड़ेगा तो इसमें और भी फुटाव आ जाते हैं। ये देखिए मिट्टी को झाड़िए और ऐसे करिए, लगाइए ऐसे, और मिट्टी भरिए। मिट्टी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये लगा दिया, अब ये गमला लेंगे। अभी लोग देखो दोस्तों, स्नो वाइट बहुत शानदार पौधा है, नाजुक पौधा है, तेज धूप में ना रखें, मिट्टी सूखे जब पानी डालें, ज़्यादा केमिकल बिल्कुल भी ना डालें, DAP यूरिया तो इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए नॉर्मल खाद, नॉर्मल मिट्टी, मुलायम मिट्टी भरिए इसके अंदर, ठोस मिट्टी में कभी नहीं लगाना, तेज़ धूप में नहीं रखना, मिट्टी सूखे जब पानी देना, यह आपका गमला भर जाएगा। ये सूखा पत्ता है दोस्तों, इसको काटेंगे, देखिए कितना शानदार लग रहा है। मिट्टी भरिए इसे, चारों तरफ से दबाइए, ये मिट्टी बहुत ही शानदार है, ऐसे ठोकिए। ये देखिए, ये भी लगा दिया, कितना शानदार है। अब ये गमला लेंगे, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें ये लगाएंगे, देखिए
ये मैंने इसमें से निकाल लिया है, ये 6 इंची गमला है, ये एरोकेरिया क्रिसमस ट्री, एक ये भी लगाइए, बहुत शानदार लगता है, बहुत शानदार लगता है, एक एरोकेरिया भी लगाइए, आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। और ये दोस्तों एक साल जब इस गमले में हो जाए तो इसकी मिट्टी चेंज करके बड़े गमले में पक्का कर देना, क्योंकि इसकी थोड़ी हाइट बढ़ती है, अभी तो ये छोटा है। ये देखिए कितना शानदार, ये देखिए क्या शानदार लग रहा है। अब ये देखिए गमला और रखा है, ये इसको भी शुरू करेंगे। और ये देखिए ड्राइसिनिया येलो वाला, ड्राइसिनिया में बहुत वैरायटी होती है, और ये लक्की बेम्बू की तरह है दोस्तों, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है, इसकी कटिंग बहुत जल्दी लगेगी अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहो ना। अब तो समय चला गया है, फरवरी के दिनों में आप इसकी कटिंग करिए शुरू लगाना। ये देखिए कैसे जड़े भर रही है, और इसकी कुछ ये जड़े मैं काट दूंगा क्योंकि इसमें जड़ें बहुत होती हैं। ये देखिए डरिए मत बिल्कुल भी, ये देखिए ये काट दी, देख रहे हो, और इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, देखो लगा रखे ना कटिंग काट काट के। ये देखिए ये कटिंग इसकी बहुत जल्दी लगती है, आप लगाइए इसकी, और इसको फिर भरिए, छाया में बहुत अच्छा चलता है, इंडोर में रखिए, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, ऐसे लगा सकते हैं। इस ये देखिए ये भी लगा दी मैंने, ये देखिए दोस्तों मैंने 7 प्रकार के पौधे लगाए हैं, कितने शानदार लग रहे हैं। 8-10 इंची गमला है, पौधे बहुत शानदार हैं, खाद मिट्टी बढ़िया भरी है। अब इनको 6 महीने दोस्तों हम बिल्कुल भी खाद पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी सूखेगा पानी जरूर डालेंगे, खाद की कोई जरूरत नहीं है। इनको छाया में रखिए, और ये देखिए आपके बगीचे की कैसे शोभा बढ़ाएंगे, कितने शानदार लगेंगे। आप ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा गैप में ऐसे रखिए तो आपके घर में बहुत शानदार लगेंगे, ये देखिए। और पौधा बड़ा बीच में रखिए, छोटे पौधे दाएँ बाएँ रखिए ऐसे, अब आप देखिए क्या शानदार लग रहे हैं। तो दोस्तों आपने दिवाली से पहले आप अपने घर को ऐसे हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा के बहुत ही अच्छा बना सकते हो। ये 7ों पौधे आपके इंडोर हैं, इनको तेज़ धूप में नहीं रखना, हल्की धूप छाया में चल जाएंगे। इंडोर रखते हो तो 6 दिन अंदर रखना, 7वें दिन इनको बाहर निकालना, मिट्टी सूखे पानी देना, DAP यूरिया जिंक पोटास इनसे दूर रखना, तो ये आपके लॉन्ग लाइफ चलते रहेंगे। अगर आपने इसमें कुछ केमिकल डाला तो ये जल्दी चले जाएंगे। गोबर की गली सड़ी खाद 3 महीने में 10-10 100 ग्राम डाल देना, आसानी से चलते रहेंगे और आपके घर की शोभा बढ़ाते रहेंगे और हरे भरे और सुंदर रहेंगे। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के जो मैंने आपको गमले दिखाए ना, ये आप लगाइए, और दिवाली से पहले आप अपने घर की बालकनी को हरा भरा और सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।